সেটা আপনি তাদের নামে আপনি যে অরিজিনাল যারা আছে না লাগু হয় না वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग निकल पड़े हैं तेजपुर के लिए। ये अभी हम सिद्दीक साहब को यहाँ से लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो बस सिद्दीक साहब यहाँ पे होंगे। थोड़ा सा एक इंटरनल मैटर है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, इसलिए सब के सब सफ़ेद, बीच में वो नीला आसमान। आईफोन लेके नहीं, आजकल हर किसी का मतलब थोड़ा अलग ही क्या कहे, और मतलब पैसे वाले लोग हैं सब, हम जैसे गरीब कोई नहीं। तो देखिए, अभी आने का साथ साथ गाड़ी में बैठते ही वो पहले कंप्लेन से हम लोग लेट किए हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी तैयारी अभी तक हुई नहीं थी। हाँ, मेरा तैयारी नहीं हुआ था, मैं सारे तैयार होकर बैठते तो वो हमको चैन से नहीं रहने देते। तो चलिए, ये जर्नी को यहीं से शुरू करते हैं हम लोग, और आप लोग देखते रहिए हमारे ये चैनल। आसिफ जी, खुर्शीद जी कैसे हैं? खुर्शीद जी कैसे हैं आसिफ जी? बहुत बढ़िया सर, मस्त दे रहे हैं सर्विस अपने होटल को। वो देवियों और सज्जनों, एक दो तीन, अरे फिलहाल हम हैं अभी एक क्षेत्रीय एरिया पे, यहाँ पे आपका टेगरिया का एरिया सामने पड़ता है, एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर। एक्चुअली नेचर कॉल हर किसी को लगा हुआ था, तो हर किसी ने नेचर कॉल किया एक्सेप्ट मी, मेरे को नहीं लगा, मैं साफ करके आया हूँ। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बस 2 मिनट का हॉल्ट, उसके बाद अपन यहाँ से निकलने वाले हैं सीधा सीधी ऑल द वे टू तेजपुर। यहाँ से 147 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है हमको, और हमारे आसिफ भाई तो अलग ही बिजी आदमी रहते हैं हमेशा। भाई वहाँ पे ज़्यादा टाइम खड़े मत रहो, पीछे जंगल से कुत्ता निकल के आएगा। जाएगा? कुत्ता कुत्ता तो है आप लोग के साथ, यू नो कुत्ता। Guys, now we are crossing the one and only Kolia Bhumora Bridge, which is ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। Thank you.
तेजपुर यूनिवर्सिटी। सो हम पहुंच गए हैं अभी फिलहाल तेजपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां लिखा हुआ है पहले पहले ही सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक नॉट अलाउड इनसाइड द कैंपस। तो ये हो गया है आपका, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है प्लास्टिक सेवन करना हानिकारक होगा। और ये रहे कुछ छात्रा, एक्चुअली ये छात्रा है। और ये पीछे रह गया है गेट, हमारे आसिफ जी गए हैं एंट्री करने और ये पीछे एक जन बैठा हुआ है। टेंशन हो रहा है क्या? बहुत इतना उदास क्यों है तू? देखो ना, उदास हो फिर भी बोल रहा है मैं हंस रहा हूँ। लोगों का काम है बोलना भाई, लोग तो बोलेंगे, वो सब लेके कोई बड़ी बात नहीं है, उसको लेके सोचना ही चाहिए। सो ये कैंपस बहुत बड़ा है शायद ना, ये मेरे को मेरा पता है, ये कैंपस में आने के बाद मेरे को छत्तीसगढ़ का याद आ गया, जो भिलाई था ना, भिलाई एरिया ऐसा ही साफ सुथरा था। किस साइड, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। हमको लेफ्ट जाना है। देखो देखो मुझे ये गार्डन्स बहुत मजा आ रहा है, और सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे क्वार्टर्स का याद आ गया यार। हम लोग जो फैमिली क्वार्टर में रहते थे, हम लोग जो फैमिली क्वार्टर रहते थे ना, उसका याद आ गया। पावर हाउस 310 मीटर। यार अभी बारिश नहीं आता तो ज्यादा अच्छा लगता ना। ये था मेरा हॉस्टल। हाँ, ये पहले बिल्डिंग था, लेकिन हम लोग का हॉस्टल। ओ, राचत में स्विमिंग पूल है क्या? नहीं नहीं, बड़ा पागार। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ नहीं सकते। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ नहीं सकते। ये क्या है? क्यों है यार अभी बारिश नहीं आता तो ज्यादा मजा आता यार, सही बता रहा मैं। तो हम क्या आप किधर? ये बोरखुण तो आईवन अलग ही सिलेक्शन गाड़ी को ना। हाँ यार, सीनरी टू हल्के हिल लू है ना, वही बोल रहे हैं। ऐसे अड्डा देके चेयर में फोटो वोटो खींचते हैं। ये प्रिंसिपल कौन? बहुत कौन ना साधारण ऐसे कर रहे हैं। अरे अरे, ओके, तो हम लोग को लेफ्ट लेना है। गेस्ट हाउस है, आप लोगों का डिपार्टमेंट है। ये हो गया ना, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। गाड़ी रहती है। सो दिस इज द कैंपस। अच्छा है, मुझे भिलाई वाला याद आ रहा है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा एशिया का सबसे टॉप सेकंड, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट। आई नो लिमिट, स्पीड लिमिट होता है। We'll be right back.
नाउ हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर भटकते हुए नो थ्रू फेयर थोरो फेयर थ्रू थ्रू द फील्ड। हाँ तो अभी हम लोग यहाँ पे भटक रहे हैं, ऐसे बहुत अच्छा माहौल है एंड हम लोग अभी यहाँ से फिर निकलने वाले हैं। यहाँ पे इस आदमी के लिए मिलने आए हैं, उससे मुलाकात अभी होगी, एक दिन हम लोग निकलेंगे। क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्टूडेंट्स को व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, तो गाड़ी यहाँ पे अलाउड नहीं है और दे आर यूजिंग द साइकिल्स एंड ऑल, या तो पैदल या तो साइकिल। उधम मचाने वाले भेड़िए दिखे हो जो उधम मचाते हैं, मतलब दोस्ती है लेकिन भेड़िया बोल सकते हैं। हम लोग दोस्ती में ऐसे ये सब छोटी मोटी बातें चलती रहती है, तो दोनों का मस्ती देखो, मतलब अलग ही सुर ताल मिलाते हुए एकदम। आप देख सकते हैं कॉन्वॉय, पता नहीं किस वीवीआईपी का है, आई डोंट नो, किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने का मौका नहीं दे रहा है। और कोई गाड़ी अगर ओवरटेक करना चाह रहे तो वो लोग डायरेक्ट उसको ब्लॉक कर रहे हैं। करीब करीब हम लोग 25 किलोमीटर से इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, हमको भी जान जान दीजिए। सो फाइनली भाई गाइस, हम लोग ने कॉन्वॉय को फॉलो करते हुए पार हुए, तो फास्टैग में हमने भी वीआईपी एंट्री से ले ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हाँ कभी कभी ऐसा करने से भी कोई बुराई नहीं है, मजा लगता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमारा इंटेंशन कोई गलत नहीं था। सो दैट्स व्हाई हम लोग ने ऐसा वाला हरकत किया, चलो देखते हैं ऐसे कॉन्वॉय के साथ जाके हम भी उनका रूल फॉलो करते, प्रोटोकॉल फॉलो करके निकलते हैं, तो क्या हमें भी पास मिलता है कि नहीं मिलता। सो यस, हाँ पास मिल चुका है, अच्छा लगा। हमारे पीछे फ्यूचर एमएलए बैठे हुए हैं, अंधेरे में अंधेरा कायम रहे। चलिए फाइनली जो भी हो, हम लोग ने सोनापुर का टोल गेट क्रॉस कर लिया। नाउ हम लोग टपरी एक ढूंढ रहे हैं जहाँ पे चाय शाय मतलब पी सके और मतलब थोड़ा टाइम रुक सकते, क्योंकि बहुत टाइम से अप टू लाइक 70-80 किलोमीटर से हम लोग को ओवरटेक करने का मौका नहीं दे रहे हैं। एंड हमने भी इसलिए पूरा चांस ले लिया कि यार चलो यार जो भी है, नेचर कॉल भी बाकी था दादा। देखते ही देखते दिन ढल चुका, रात हो गई, अब हम ऑलमोस्ट सोनापुर क्रॉस कर चुके हैं एंड नाउ चाय की टपरी यहाँ आसपास में नहीं मिला, तो हमें आगे जाके लेना पड़ेगा, तो चलो प्रोटोकॉल थोड़ा सा और फॉलो कर लेते हैं।